योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि अगर मोदी सरकार उन्हें आयुष मंत्रालय के माध्यम से आयुर्वेद में काम करने का मौका दे तो वो छोटे बजट में भी बड़ा काम कर सकते हैं और विदेशी कंपनियों के साथ साथ एलोपैथी का भी शीर्षासन करा सकते हैं। वहीं किसानों को फसलों का समर्थन मूल्य 1.5 गुना करने के फैसले का स्वागत किया और किसानों की आमदनी 2 गुनी करने के पीएम मोदी के प्रयास की सराहना की। स्वामी रामदेव ने कहा कि फसलों का समर्थन मूल्य 1.5 गुना करना आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी पहल मोदी सरकार ने की है। किसानों के बारे में सोचने के लिए मानस तैयार हुआ है। मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि वे किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो एक ईमानदार प्रयास तो शुरू हुआ है। सरकार की नई स्वास्थ्य योजना के बजट प्रस्ताव पर स्वामी रामदेव ने कहा, अगर पैसा एलोपैथी दवाइयों में खर्च होगा तो 80-90% पैसा बाहर जाएगा। अगर लोग अपना इलाज योग और आयुर्वेद के जरिए करते हैं तो ये तो देश की भलाई की बात है। मैं समझता हूँ कि दवाई और पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए। उस गरीब ने कोई गुनाह नहीं किया है जिसके बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। गरीब को भी शिक्षा और स्वास्थ्य में एक जैसा अवसर मिलना चाहिए। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।